नमस्कार, पॉपकॉर्न ट्रिप में शिमला के वीडियो में आपका स्वागत है। कुफरी से शिमला वापस लौटकर शिमला शहर को एक्सप्लोर करने पहुंच गए यहां के मेन अट्रैक्शन मॉल रोड की ओर। शिमला की मॉल रोड में कुछ अति आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त सभी तरह का यातायात प्रतिबंधित है। शिमला मॉल रोड के निकटवर्ती कुछ प्रमुख स्थल स्क्रीन में दिए मैप में देख सकते हैं, जिनमें शामिल है द रिज, लक्कड़ बाजार, जाखू मंदिर, स्कैंडल पॉइंट, IGMS, विधानसभा, हाई कोर्ट आदि। शिमला में मॉल रोड में घूमना शिमला ट्रिप की एक मस्ट डू एक्टिविटी है। यहाँ चहलकदमी करते हुए मॉल रोड में कई फूड चेन, रेस्टोरेंट्स, कैफे, बेकरी, क्लब्स इत्यादि दिखते हैं, जो यहाँ की वॉक को खुशनुमा एहसास देते हैं। शिमला मॉल रोड से लगा हुआ है लक्कड़ बाजार, जहाँ स्थानीय निवासी अपनी फुर्सत की समय तो बिताते ही हैं, साथ ही यहाँ पर्यटकों के आने के लिए कई विशेष कारण भी हैं। यहाँ की दुकानों में लकड़ी से निर्मित आकर्षक सामान भी मिलता है। लक्कड़ बाजार के समीप ही है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल व मेडिकल कॉलेज IGMC। लक्कड़ बाजार से ही लगा हुआ है मॉल रोड और कुछ कदम पर है स्कैंडल पॉइंट। 19वीं सदी में ब्रिटिश राज में पटियाला के तत्कालीन महाराज गर्मियों में शिमला प्रवास के लिए आते थे। एक बार अपने शिमला प्रवास के समय ब्रिटिश वायसराय की बेटी को अपने घोड़े में बिठाकर भगा ले गए, जिनसे बाद में महाराजा ने विवाह किया। उस समय की इस अत्यंत दुस्साहसिक और अनोखी घटना के कारण इस स्थान को स्कैंडल पॉइंट नाम मिला। स्कैंडल पॉइंट से कुछ ही कदमों की दूरी पर है द रिज, शिमला की मॉल रोड का सबसे ऊंचा पॉइंट। यहाँ ब्रिटिश टाइम का एक चर्च है। यहाँ शिमला का समर फेस्टिवल के साथ समय समय पर कई इवेंट और कंसर्ट होते हैं। यहाँ दर्शकों के बैठने के लिए भी स्थान है। यहाँ से शिमला के आसपास की पहाड़ियाँ भी देखी जा सकती हैं और सनसेट का आनंद लिया जा सकता है। रिज में घुड़सवारी भी कर सकते हैं। शिमला में शाम ढलने के बाद मॉल रोड की सैर करने का आनंद ही अलग है। रात में रोशनी से जगमगाती मॉल रोड और रिज के आसपास का इलाका। और साथ में शिमला की पहाड़ियों में रिहायशी इलाकों में जलती लाइट्स कैनवस को और भी दिलचस्प बना देती हैं। शिमला की मॉल रोड से रिज में रात 9-9:30 बजे तक चहलकदमी करते हुए जगमगाते शिमला को देखते हुए पर्यटक कुछ कभी न भूलने वाली मेमोरी तैयार करते हैं। मॉल रोड में आगे आते हुए दिखती है यह खूबसूरत इमारत, इसके सामने टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर, पास ही है शिमला की बहुत पुरानी इमारतों में से एक शिमला का पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस के निकट ही स्थित है शिमला का प्रसिद्ध कालीबाड़ी मंदिर। हिंदू आस्था का प्रतीक कालीबाड़ी मंदिर मां काली को समर्पित है, जहां मां श्यामला देवी का मंदिर है, जिनके नाम पर ही शिमला का नाम पड़ा। स्थानीय लोगों के अतिरिक्त यहां पर्यटक भी बड़ी संख्या में आकर मां के दर्शन करते हैं। मॉल रोड के एक सिरे पर है विधानसभा हिमाचल की। शिमला शहर के मॉल रोड के निकटवर्ती कुछ आकर्षण इस मैप में स्पॉट कर सकते हैं। शहर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचना हो तो उसके लिए है सर्कुलर रोड, और शिमला शहर के बाहर बाहर निकल जाना हो तो इसके लिए है शिमला बाईपास। अगले दिन हम किसी दूसरे होटल में रूम लेना चाहते थे तो सुबह विक्ट्री टनल के होटल से चेकआउट कर पैदल पहुंचे ओल्ड बस स्टॉप। जिस होटल में हम रुके थे वहां से ओल्ड बस स्टॉप 5-10 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर था। ओल्ड बस स्टॉप में वाहनों की पार्किंग भी है और इस जगह के आसपास कई होटल्स भी हैं, लेकिन हमें यहां न कोई वाहन पार्क करना था न ही किसी होटल में रूम लेना था। हम यहां ओल्ड बस स्टॉप के क्लॉक रूम में अपना सामान रखना चाहते थे, जिसमें सामान्य आकार के बैग का किराया प्रतिदिन के लिए 20 रुपया था। वैसे रात्रि विश्राम के लिए हमने शिमला शहर से कुछ दूर होटल में रूम बुक करा लिया था। ओल्ड बस स्टॉप से बस द्वारा पहुंचे लिफ्ट के पास।
यहाँ से मॉल रोड तक लिफ्ट से पहुँच सकते हैं जो रिज के नीचे की ओर मॉल रोड में मिलती है। शिमला नगर की कुछ बाजारें हैं, मिडिल बाजार, राम बाजार, लोअर बाजार, लक्कड़ बाजार, तिब्बतियन बाजार। लोअर बाजार में ज़्यादातर स्थानीय निवासी शॉपिंग करते हैं। मॉल रोड सभी कार्यकलापों और गतिविधियों का केंद्र है। मॉल रोड में घूमने के बाद टैक्सी से जाखू मंदिर, जो कि शिमला की ऊंची पहाड़ी पर है, जहां चर्च के पीछे जाती सड़क से 2-3 किलोमीटर का ट्रैक कर भी पहुंच सकते हैं। इसके अलावा टैक्सी से अथवा रोपे से भी यहां पहुंच सकते हैं। रिज में चर्च के पीछे की ओर जाती सड़क से कुछ दूरी पर रोपवे के लिए काउंटर है। इस स्थान का प्रमुख आकर्षण है हनुमान जी की विशालकाय 108 फीट भव्य प्रतिमा, जो शिमला शहर में घूमते हुए कहीं से भी जाखू पहाड़ी में देखी जा सकती। खूबसूरत अल्पाइन पेड़ों से आच्छादित समुद्र तल से 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थित जाखू हिल में एक प्राचीन हनुमान मंदिर है। इस स्थान के बारे में मान्यता है कि लक्ष्मण जी के मूर्छित होने पर हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे तो इस पहाड़ी पर उतरे। इस स्थान पर बंदरों से विशेष सावधान रहें। यह हाथ में रखे मोबाइल, चश्मे, कैमरा कुछ भी झपट लेते हैं और बदले में कुछ खाने को देने पर ही सामान लौटाते हैं। लेकिन इस झपटने की प्रक्रिया में कोई सामान क्षतिग्रस्त हो जाए तो इसकी कोई गारंटी बंदरों की ओर से नहीं मिलती, इसलिए अपना जरूरी सामान अपने बैग के अंदर रखें और उसे मजबूती से अपने पास रखें। मंदिर परिसर में श्रद्धालु और यहाँ हनुमान जी की भव्य मूर्ति। जाखू के शिखर पर पहुंचकर शिमला की खूबसूरती और भी मनमोह लेती है। जाखू मंदिर के बाद हम टैक्सी से ही पहुंचे संकट मोचन मंदिर। भगवान हनुमान जी को समर्पित संकट मोचन मंदिर शिमला कालका मार्ग पर शिमला से लगभग 7 किलोमीटर दूर और ISBT बस स्टॉप से लगभग 4.5 किलोमीटर है। संकट मोचन मंदिर मुख्य हाईवे से ढलान की ओर लगभग 200 से 300 मीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिर के समीप ही पार्किंग है और पार्किंग से कुछ ही दूरी पर मंदिर का प्रांगण, जहां मुख्य मंदिर से पूर्व बाईं ओर दक्षिण भारतीय निर्माण शैली में बना षोडश गणपति जी और नवग्रह मंदिर स्थित है। यह मंदिर शिमला के सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षणों में से एक है। इस मंदिर की स्थापना बाबा नीम करौली द्वारा की गई थी। हनुमान जी, भगवान राम, भगवान शिव और भगवान गणेश की मूर्तियां यहां देखी जा सकती हैं। मंदिर समिति द्वारा भक्तों के सहयोग से प्रत्येक रविवार और मंगलवार को यहां भोज का आयोजन किया जाता है। यहां से दिखता शिमला का पैनोरमिक दृश्य। शिमला के कुछ अन्य आकर्षण हैं अन्ना डेल। शिमला में यह एक बड़ा समतल मैदान है। ऊंचाई से दिखता अन्ना डेल का ग्राउंड। अन्ना डेल में आर्मी का एक हेरिटेज म्यूजियम, गोल्फ कोर्स और हेलीपैड है। इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, ब्रिटिश समय में यह वॉइसराय का आवास था। स्वतंत्र भारत में राष्ट्रपति भवन बना और अब इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज है। शिमला कैसे पहुंचे? हवाई मार्ग से जुब्बरहट्टी हवाई अड्डा, जो 22 किलोमीटर दूर है, शिमला पहुंचने के लिए निकटतम हवाई अड्डा है। अगर इस हवाई अड्डे के लिए फ्लाइट उपलब्ध न हो तो दूसरा निकटतम हवाई अड्डा चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ से कैब लेकर अथवा बस से शिमला आ सकते हैं और चाहें तो चंडीगढ़ से कालका तक टैक्सी से आएं और यहां से आगे शिमला के लिए टॉय ट्रेन का आनंद ले सकते हैं। कालका तक दिल्ली सहित देश के कई स्थानों से ट्रेन्स भी चलती हैं। कालका से टॉय ट्रेन में बैठकर 102 सुरंगों से गुजरते हुए पहाड़ी रास्तों को देखते 96 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगभग 5 से 6 घंटे का समय लगता है।
शिमला सड़क मार्ग से देश के दूसरे हिस्सों से अच्छी तरह कनेक्टेड है। कई प्राइवेट और हिमाचल परिवहन द्वारा संचालित बसें इस रूट में चलती हैं, जो हरियाणा, पंजाब, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश से शिमला और इसके विपरीत संचालित होती हैं। कुछ प्रमुख स्थानों से शिमला की दूरी स्क्रीन पर देखी जा सकती है। शिमला हिल स्टेशन होने के बाद भी इस तरह की प्लानिंग से बसा है कि शहर के लगभग हर एरिया तक मोटरेबल सड़क पहुंच जाती है। हाँ, शहर के अंदर के हिस्सों को जोड़ती सड़क कुछ जगह घुमावदार और नैरो और कहीं कहीं वन वे है, साथ ही चढ़ाई या उतार लिए है, जिससे इस तरह की सड़कों में चलने का अभ्यास न होने वाले वाहन चालकों को ड्राइव करने में परेशानी हो सकती है। शिमला में स्टे के लिए सैकड़ों होटल्स, गेस्ट हाउस और होम स्टे मौजूद हैं। कुछ होटल्स की जानकारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। पार्किंग के बारे में पिछले वीडियोस में आप देख ही चुके हैं। एडवांस में बुक कराएं तो मैप के अकॉर्डिंग अपने होटल्स का आइडिया ले लें कि होटल कहाँ है। शिमला में रास्तों के बारे में कोई डायरेक्शन या शहर की कोई जानकारी लेनी हो तो शिमला के स्थानीय लोगों के अलावा स्थानीय पुलिस से जानकारी ले सकते हैं, जो बेहद मददगार रहते हैं। इस वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो में शिमला के प्रसिद्ध तारा देवी मंदिर और आसपास के कुछ अन्य स्थलों को देखेंगे। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। Thank you.